टॉपिक, हेडिंग क्या बच्चा? निधि कंपनी। सुना है कैसे? पहले बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट। हाँ, नाम तो रखा ही जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा, पब्लिक कंपनी सुना है, प्राइवेट कंपनी सुना है, ओपीसी जब सुनने लगे थे कि फर्स्ट टाइम सुना था, सुन लिया था ना इलेवन ट्वेल्थ में। चलिए, तो ये तीन चीजें हमने सुन ली थी। फॉरेन कंपनी सुना था लेकिन समझाए अब, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी सुना नहीं था, निधि कंपनी सुना नहीं था, सुना था, वेरी गुड, जिसने सुना था। चलिए सबसे पहले बच्चा, निधि एक हिंदी वर्ड है, निधि एक हिंदी वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? ट्रेजर, मतलब सेविंग, पैसा, है ना, पैसा, वेल्थ। बच्चा निधि, निधि एक तरीके से ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब क्या होता है? सेविंग। निधि कंपनी, नाम ही रख दिया है निधि कंपनी, नाम ही रख दिया है निधि कंपनी। बच्चा कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, अगर मैंने लिखा एबीसी लिमिटेड, पब्लिक है कि प्राइवेट कंपनी है? एबीसी लिमिटेड, कैसे पता चला? लिमिटेड लिखा है, मैंने लिखा एबीसी ओपीसी लिमिटेड, पी लिखना भूल गए, प्राइवेट लिमिटेड। बच्चा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब ये किसी भी कंपनी का पूरा नाम अगर आपको पता चलेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना। तो बच्चा जो भी कंपनी निधि कंपनी होती है उनके नाम में निधि वर्ड लिखा होता है, उनके नाम में निधि वर्ड लिखा होता है। नीचे कुछ एग्जांपल्स है बच्चा, सबसे पहला नाम पढ़ो क्या लिखा है, सूर्योदय अर्बन निधि लिमिटेड। बच्चा ये निधि कंपनी जो है ना बहुत कम फेमस है, इसलिए आपने ये वाले नाम तो कभी सुने ही नहीं होंगे। अब रिलायंस टाटा फेमस नाम ही सुनोगे ना, ठीक है, ये तो इतने फेमस नहीं है। बच्चा तो नाम में निधि वर्ड यूज किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अनुभूति अर्बन मल्टीपल क्या लिखा है, निधि लिमिटेड। फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, गोल्ड प्लस निधि लिमिटेड। इन शॉर्ट कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए कि एक निधि कंपनी होती है उस नाम में निधि वर्ड लिखा होता है, मतलब आप नाम से ही देख लोगे कि वो निधि कंपनी है या फिर प्राइवेट है या फिर वो पब्लिक है। बच्चा ये निधि कंपनी में अगर आप देखोगे पीछे लिमिटेड लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है। इन शॉर्ट डिटेलिंग आपके सिलेबस में फिर भी ज्यादा नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि अभी आप एंट्रेंस लेवल में, तो छोटी छोटी बातें बताएं। तो व्हाट डू मीन बाय निधि, निधि कंपनी, निधि कंपनी एक्चुअल में एक कंपनी है, इसे नॉर्मल कंपनी जैसा ही बनाया जाता है। जब भी इसका नाम रखा जाएगा तो उस नाम में निधि वर्ड ऐड किया जाएगा, और यह हमेशा कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक। यह हमेशा कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक, यह प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में क्यों बनाया जाता है, इस कंपनी का पर्पस क्या है? निधि कंपनी का मेन पर्पस है बच्चा सेविंग। निधि कंपनी का मेन पर्पस क्या है बच्चा? सेविंग्स। बच्चा ये कह रहा है कि भैया किसकी सेविंग? ग्रुप ऑफ पीपल्स। फॉर एग्जांपल हम सब लोग मिलकर चलो एक निधि कंपनी बनाते हैं। बच्चा कभी मम्मा ने बीसी खेला है? बीसी क्या होता है? पर्ची, है ना, हर महीने छोटा 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 पैसा इकट्ठा होता है, फिर है ना एक पर्ची निकाली जाती है, किसी का नाम आता है, यही होता है। तो मम्मा लोग ये गेम खेलते क्यों है? मजा आ रही होती है क्या? सेविंग्स, एक अच्छा मोटा अमाउंट मिल जाता है, यही होता है ना। तो एक्चुअल में निधि कंपनी बनाने के पीछे रीजन क्या है? सेविंग्स है। ग्रुप ऑफ पीपल्स, बच्चा हम सब लोगों ने एक निधि कंपनी बनाई, ठीक है, हम सब पैसा लगाएंगे, मतलब जो मेंबर है वो पैसा लगाएगा, सब अपने घर से, सारी आंटियां अपने घर से 2,000, 5,000, 10,000 जितनी की भी उनकी रहती है वो उस हिसाब से पैसा लेके आती है हर महीने, यही होता है ना। तो हम भी अपने घर से पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। अगर किसी को जरूरत है तो वो कंपनी से बोलेगा मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे प्लीज पैसा दीजिए। तो मेंबर्स को ही, मेंबर्स ही सेव करेंगे, और अगर किसी को लोन की जरूरत होती है तो निधि कंपनी लोन भी देती है, लेकिन किसको देगी? बस अपने खुद के मेंबर्स को। कोई आउटसाइडर आता है निधि कंपनी के पास और बोलता है कि यार मुझे भी थोड़े पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसा दे दो। बीसी में जब तुम्हारी मम्मा खेलती हैं, कोई आउटसाइडर आंटी आएगी जो बीसी में पैसा नहीं दे रही है, तो बच्चा क्या उसे पैसे दिए जाते हैं? नहीं। तो इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है, इन्होंने साफ साफ ये बोलते हैं भैया हमने ये कंपनी बनाई है अपने लिए, हमने ये कंपनी बनाई है हम मेंबर्स के लिए, पहले उसे मेंबर बनना पड़ेगा, तब जब वो मेंबर बन जाएंगे तब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, स्पेशल एक्ट नहीं है, नॉर्मली एज पर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। चलिए,
तो निधि एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब ट्रेजर होता है, इसका पर्पस होता है सेविंग, सेविंग किसकी बच्चा, ग्रुप ऑफ पीपल्स की, उन्हीं की सेविंग करना और उन्हीं को ही उधारी देना, उन्हीं को ही उधारी देना आपस में, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाया गया या आपसी बेनिफिट्स के लिए हमने बनाया। कंपनीज हैविंग ऑब्जेक्ट लीगली बच्चा एज पर कंपनीज एक्ट ये पूरा काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे रेगुलेट करता है। तो इन शॉर्ट आ जाओ आपकी बुक की डेफिनेशन, निधि मीन्स बच्चा एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है एज अ निधि। ऑब्जेक्ट क्या है, कल्टीवेट करना, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग होता है, थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है बच्चा, सेविंग लिखा है बाजू में, कल्टीवेट मतलब एक तरीके से इसको प्रोसीड करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं हम किस हैबिट को प्रोसीड करना चाहते हैं, सेविंग को। तो एक्चुअली मेन पर्पस क्या है, सेव करना, सेव करना। लेकिन ये बेनिफिट्स बस किसको दिए जाएंगे, जो इस कंपनी का मेंबर है, आउटसाइडर को नहीं। रिसीव डिपॉजिट, यही डिपॉजिट देंगे बच्चा, इन्हीं को ही उधारी दी जाएगी। इट्स मेंबर ओनली देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, इन्हीं के मेंबर के लिए सब कुछ किया जा रहा है। विच कंपनी सच रूल्स प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह सब डिसाइड करता है। इन शॉर्ट बहुत डिटेल में नहीं है, सीधी सिंपल बात, निधि कंपनी वो कंपनी है, क्यों बनाया जाता है इसको, सेविंग पर्पज के लिए, थ्रिफ्ट के लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये नॉर्मल कंपनी जैसा ही होता है जैसे बाकी कंपनीज होती है, लेकिन इनका पर्पस सेविंग है। ये हमेशा याद रखना, पब्लिक कंपनी ही होगी, पब्लिक कंपनी ही होगी, प्राइवेट नहीं होती। और इसके नाम में निधि वर्ड लिखा होगा जिससे आपको पता चल जाए कोई भी कंपनी क्या है, उसका पहले पूरा नाम जानो। नाम जानोगे बच्चा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा पब्लिक है, प्राइवेट है, निधि है या जो कुछ भी, क्लियर है बच्चा। लेकिन बच्चा डोरमेंट कंपनी नाम से पता चलेगा क्या, नहीं। वो तो आपको किसमें देखना पड़ेगा, एमसीए की वेबसाइट में नाम डालो, स्टेटस होता है वो तो क्या होता है बच्चा, स्टेटस होता है कि भैया अभी वर्किंग नहीं है, जो भी वर्किंग में होती है बच्चा उसमें लिखा होता है एक्टिव, उसमें लिखा होता है एक्टिव, ठीक है बच्चा। जो वर्किंग होती है उसमें लिखा होता है एक्टिव, जो वर्किंग नहीं होती है उसमें क्या लिखा रहता है, डॉर्मेंट स्टेटस। क्या एक बार एमसीए की वेबसाइट दिखा दूं, एक्टिव वर्ड देखा था वो बस दिखा दूं बच्चा, एमसीए की वेबसाइट जैसे ही सीएस बन जाओगे, सीएस की आर्टिकलशिप में भी बहुत सारा काम आपको इसमें करना ही पड़ता है, ठीक है। यही आपकी मेन वेबसाइट है, MCA 21, फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 21 क्या है, क्योंकि आप 21st सेंचुरी में है। जैसे ही MCA 21 लिखोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी, बिंग अ सीएस आपका पूरा काम इसी में होगा, ठीक है। आप इसमें खोलेंगे जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो बच्चा, टाटा रिलायंस जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, ये सर्च ऑप्शन है, ये सर्च ऑप्शन है, ठीक है। चलो टाटा लिख देते हैं अपन। अब टाटा की तो कितनी सारी कंपनी है, पहली ऐसी कोई भी मैंने कंपनी उठा ली, ठीक। चलिए तो यहाँ पे बच्चा लिख लू RONTS, कंपनी स्टेटस दिख रहा है बच्चा, एक्टिव एक्टिव दिख रहा है। इसका मतलब अगर ये कंपनी काम नहीं करती तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, डॉर्मेंट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, कंपनी का पूरा नाम, हाँ बच्चा वही नाम लिख लिखकर आपको चेक करता है, ठीक है सबका। लेकिन जिस कंपनी में काम करोगे उसी का चेक करोगे ना, ऐसे फ्री में किसका चेक करोगे, नाम भी नहीं पता हमें तो इतनी सारी है ना। चल तो बच्चा यहाँ पे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी के, कंपनी ने कितना क्या लोन लिया है, कंपनी का कौन डायरेक्टर है, ये 3 डायरेक्टर दिख रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला ये कौन है, सीएस, ये इस कंपनी का सीएस है आपकी, वेरी गुड बच्चा। ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, याद रखना आपकी पोजीशन बहुत हाई होती है, आपका नाम डायरेक्टर के साथ जुड़ता है। यहाँ इन्होंने 3 डायरेक्टर के नाम लिखे और चौथा वो सीएस है, साक्षी जो है वो कौन है बच्चा, सीएस है, ठीक है। चल बढ़ते आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निधि कंपनी समझ में आया, बड़े नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, क्या दिख रहा है डायग्राम में, क्या दिख रहा है, किसान भाई दिख रहे, ठीक है बच्चा। नाम सुना है नहीं, ये भी एक टाइप होता है, प्रोड्यूसर कंपनी, किसान भाई लोगों के लिए भी कंपनी बनाई जाती है,
इनको अच्छे खासे प्रिविलेज दिए गए, अच्छे खासे बेनिफिट दिए गए, ठीक है। चलिए, तो व्हाट यू मीन बाय प्रोड्यूसर कंपनी? प्रोड्यूसर कंपनी बनाया जाता है ताकि फार्मर अच्छे तरीके से काम करे। बच्चा, अब फार्मर इतना एक्टिव तो होता नहीं है, क्यों वो कंपनी बनाए, ये बनाए, वो बनाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक अलग टाइप की कंपनी बनाने को बोला गया है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। वो उनके फायदे के लिए रहती है, उनकी फॉर्मेलिटीज कम होती है, क्योंकि वो इतने जानकार नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते, तो उनके लिए, उनके कॉर्पोरेशन के लिए कंपनी बनाई जाती है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही मैनेज करता है, ठीक है। क्यों बनाता है बच्चा? ऑब्जेक्ट क्या है प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का? प्रोडक्शन, वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें, तो ये किसान भाई लोगों की कंपनी होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग का काम होता है, प्रोक्यूरमेंट का काम होता है, ग्रेडिंग का होता है, पुलिंग का, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब क्या चीज है बच्चा? ये सारे टर्म्स क्या है? फार्मिंग के सारे के सारे, वेरी 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 गुड। चलो बहुत डिटेल में समझते हैं, ठीक है बच्चा। ये भी एक पैटर्न होता है, ये भी एक पैटर्न होता है, बस ओपन हो जाए। तो किसान भाई लोगों के लिए एक्चुअल में सीन क्या होता है, ये लोग इतने ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते। प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्यूरिंग बच्चा, ग्रेडिंग, पुलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सारी चीजें। चलो, प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रॉपर खेती करना, प्रोड्यूस करना। हार्वेस्ट करना मतलब क्या? कटिंग हो रही है। देन बच्चा प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या? मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना। फिर बच्चा पुलिंग एंड हैंडलिंग, कुछ एक जगह होगी, गोडाउन हो गए सरकार के, या फिर बच्चा मंडीज होंगे, वहां पे जाके ये लोग रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी? ग्रेडिंग होगी। अब आपका चावल किस क्वालिटी का है ये सब देखा जाता है। देन मार्केट में बेचने का काम, सेलिंग का। फिर बच्चा इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जा सकता है ना। तो एक्चुअल में ये सारी एक्टिविटी किससे जुड़ी बच्चा? फार्मर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, प्रोड्यूस करने से लेकर बेचने तक। तो इन्होंने कहा भैया एक प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जो फार्मर्स के लिए बनती है, और उनका काम क्या होता है? ये सारी की सारी चीजें। इन्होंने कहा इसमें और भी है, प्रिजर्व करना बच्चा, किसानों का ही काम है एक तरीके से, प्रिजर्व करना इन बॉटल्स में बच्चा। ड्राइंग करना, ड्राइंग करना मतलब क्या? मिर्ची सुखाएंगे, फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए, फिर क्या लिखा है? डिस्टिलिंग बच्चा, ब्रीविंग, ये सब जो लिकर विकर बनते हैं वो किससे बनते हैं? कुछ रॉ मटेरियल होता है किसानों का ही, है ना, एक वर्ड यूज होता है, फ्रूट होता है, महुआ टाइप का कुछ होता है, ये सारी चीजें होती है, फ्रूट से भी, ग्रेप से भी, तो क्या क्या बनता है? तो ये सारी चीजें, लिकर ये सब बनना, देन उसकी वेंडिंग, देन उसकी कैनिंग, देन उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीजें किसकी, किसके अंडर में आ जाती है बच्चा? प्रोड्यूसर कंपनी। तो किसान भाई बस प्रोड्यूस कर रहे, लेकिन आगे की भी जो सारी एक्टिविटीज है वो एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर कर सकता है। वो बस इंडिया में नहीं बेचेगा, वो कहां बेच सकता है? इंटरनेशनल लेवल में भी। बच्चा नेक्स्ट क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर करना, देन सेल, सप्लाई, ये सारी चीजें, देन टेक्निकल काम भी आता है, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, ये सारे वर्क। तो इन शॉर्ट वापस अब अपनी बुक में चलेंगे अपन। बच्चा मीनिंग समझ में आया प्रोड्यूसर कंपनी का? बस खेती करना नहीं, खेती करना नहीं, उसको एक कंपनी का रूप देना, ताकि वो क्या कर सके बच्चा? इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच सके। क्लियर है? चलिए, तो अब आप अपनी बुक में रीड करेंगे, कुछ प्रोड्यूसर कंपनी के एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? मंडी एग्रो, एग्रो से क्या समझते हो? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रोड्यूसर कंपनी नॉर्मल पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी, लेकिन इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा बच्चा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा? देखो एग्रीटेक लिखा है, देन फार्मिंग लिखा है, एग्री फार्म लिखा है। तो बच्चा प्राइवेट 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 लिमिटेड, लिमिटेड भी बना सकते हो अगर काम ज्यादा हो जाएगा आपका। तो इन शॉर्ट प्रोड्यूसर कंपनी एक कंपनी होती है जो पर्टिकुलर किसके लिए होती है बच्चा? फार्मर्स के लिए। दैट्स इट। अब आप अपनी बुक में रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन। पहले ये सेक्शन पुराना था, ठीक है, ये सेक्शन अभी अभी बदला है एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 378। बच्चा यहाँ पे वन दे रखा है, 378 ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनती है जो इस सेक्शन में दे रखा है। सेक्शन में पूरे प्रोसेस दे रखे कैसे बनेगी। इन्होंने बोला इसके बी में बता के रखा है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। बच्चे ये सारे वर्ड सभी जो मैंने आपको पिक्चर फॉर्म में दिखाए ना, यही सारे थे। प्रोडक्शन दिखाया, हार्वेस्टिंग दिखाया, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या था? ट्रांसपोर्ट कर मार्केट तक, मंडीज तक पहुंचाना। ग्रेडिंग करना, क्या था ग्रेडिंग? कैटेगरी, जो अच्छी क्वालिटी होगी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस। पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब देखा था। देन बच्चा
हमने ड्राइंग देखा था, डिस्लिंग देखा था, ब्रीविंग, वेंटिंग, ये सारी चीजें देखी थी। तो कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, एजुकेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस, वेंडिंग, टेक्निकल सर्विस, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर, ये सारे उन्होंने काम बताए। अगर आप एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हो तो प्रोड्यूसर कंपनी ये सारे ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारे काम कर सकते। अब आप जब सीएस बन जाओगे, जरूरी थोड़ा ना हमेशा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आएगा, फार्मर भी आ सकता है, उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हो, उसको कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो कि भाई सुन, अगर तू कंपनी के रूप में बनाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म में फॉर्मल तरीके से बनाएगा, तो एक कंपनी होती है आपके टाइप के लिए, प्रोड्यूसर कंपनी होती है, तो आप उनके लिए प्रोड्यूसर कंपनी का भी बच्चा इनकॉर्पोरेशन करवा सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। बच्चा अब कंपनी बनाकर उनका फायदा क्या होगा, कल को अगर उन्हें पैसे की जरूरत है, बच्चा लोन अगर देने की बारी आती है तो बैंक ना किसको देना पसंद करता है लोन, जब आप एक कंपनी फॉर्म, कंपनियों को आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है, तो फार्मर की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो अगर एक कंपनी फॉर्म में होगा तो बच्चा बैंक उसे पसंद करेगी लोन देना, क्योंकि उनको मालूम है कि लोन तो रिकवर फिर हो ही जाएगा, भरोसा आ जाता है अगर कंपनी बन जाती है, ठीक। तो आप प्रोड्यूसर कंपनी भी सजेस्ट कर सकते, तो पहले पता होना चाहिए, पता चल गया क्या, पक्का? तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर, आप उस क्या कर सकते हो, प्रोड्यूसर का इंश्योरेंस भी कर सकता है, या फिर किसका बच्चा, प्राइमरी प्रोड्यूस का, प्राइमरी मतलब जो भी वो रॉ मटेरियल, प्रमोटिंग क्या बच्चा, टेक्निक्स हो गया, वेलफेयर मेजर्स, एनी अदर एक्टिविटी, फाइनेंस, प्रोक्यूरमेंट, बस बच्चा स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वर्ड्स बस याद रखना, दैट्स इट। इन शॉर्ट प्रोड्यूसर कंपनी सारे काम कर सकती है। हाँ, वो जनरली प्रोड्यूसर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बनाओगे तो बहुत सारे फायदे, कंसेशंस मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक नॉर्मल कंपनी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो क्या होती है, प्रोड्यूसर, लेकिन नॉलेज नहीं होता, फार्मर्स को ही बोला जाता है कि आप ही बनाओगे, ताकि फायदा किसको देना है। हमारे देश में 75% पॉपुलेशन किस में काम कर रही है, एग्रीकल्चर में, तो भैया इनको प्रमोशन के लिए इन्होंने बोला कि आप भी अपनी कंपनी बना सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल भी बना सकते हो, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन टाटा फिर भी नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि उसका फार्मर होना जरूरी है। अब जब इसके टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो इसके मेंबर्स जनरली क्या होते हैं, फार्मर्स, टाटा फार्मर नहीं है, ठीक है, तो बना सकता है, लेकिन वो बनाएगा नहीं, क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में वो कवर नहीं होता, ठीक है, क्लियर है बच्चा? सबसे पहले कौन सी कंपनी पढ़ी, निधि, अभी 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 आज की स्टार्टिंग क्लास में क्या पढ़ा, निधि, कौन सी कंपनी होती है, किसको प्रमोट करती है, सेविंग। बच्चा प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी कंपनी होती है, फार्मर्स की, ठीक है, इसका काम क्या होता है, पूरी फार्मर की एक्टिविटीज, बच्चा प्रोड्यूसिंग से लेकर बच्चा मार्केट तक बेचने तक का, क्लियर है क्या बच्चा, कौन सा पॉइंट, सेकंड लास्ट जे पॉइंट में, अच्छा बच्चा इंसिलर इंसिडेंटल, बच्ची बुच्ची जो छोटी मोटी चीजें होती है जो रिलेटेड होती है, हम बोलते हैं एक मेन है और एक है इससे इंसिलरी, इससे जुड़ी हुई, इससे रिलेटेड, तो रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट बच्चा आपकी बुक में दिखेगा, हेडिंग क्या है, वर्ड सुना है, अभी एग्जाम्पल हो, मुथूट फाइनेंस सुना है, बजाज फिनसर्व सुना है, एक्चुअल में ये फाइनेंस सर्विस का शॉर्टकट है, FIN मतलब क्या, फाइनेंस, SERV क्या है, सर्विस। बच्चा श्रीराम सुना है, चलो नहीं सुना है, SDB सुना है, अच्छा पहला दूसरा तो सुना है ना, छोड़ो ये सब यार, जो सुना है वो बताओ, वेरी गुड, है ना, HDFC सुना होगा, SBB सुना है, वेरी गुड, मुथूट फाइनेंस तो सुना है भैया, कहाँ सुना है, अमिताभ बच्चन ऐड करता है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या करता है वो बच्चा, अमिताभ बच्चन ऐड करता है और क्या बोलता है, जब घर में रखा हो सोना तो काहे को रोना, तो बोलना क्या चाहता है, गोल्ड को रखो और क्या मिल जाएगा आपको, लोन मिल जाएगा, गोल्ड पे लोन मिल जाएगा। बच्चा NBFC का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, समझना ये कंपनी है, मुथूट फाइनेंस एक कंपनी है जो कि क्या सर्विस देती है, फाइनेंस की, उधारी दे रही है ना, म्यूचुअल फंड अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है, ठीक है, फाइनेंस की सर्विस दे रही है, लेकिन ये साफ साफ नाम पे ही छुपा है कि मैं बैंक नहीं हूं, SBI बैंक जैसा बैंक है क्या, ये पंजाब नेशनल बैंक जैसा है क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा है, वेरी गुड, वो अगर फाइनेंस है तो SBI का NBFC है, वेरी 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 गुड, समझो आप वापस। बच्चा
एनबीएफसी का पहले बताओ, फुल फॉर्म समझ में आया? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मैं, ठीक है, एनबीएफसी बोलता है मैं क्या हूं, बैंक जैसी सर्विस देता हूं लेकिन मैं बैंक नहीं हूं। वापस, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जो कि कैसी सर्विस देता है, बैंक जैसी सर्विस। बैंक क्या देता है, वो भी तो लोन देता है हमें, वो भी लोन देता है ना। तो ये बोल रहा है भैया मैं कंपनी हूँ, मेरा मेन पर्पस क्या है, कंपनी बनाने के पीछे मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देता हूँ लेकिन मैं बैंक नहीं हूँ, इसीलिए इसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस। मैं बैंक नहीं हूँ लेकिन मैं क्या सर्विस देता हूँ, बैंक जैसे। एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो वेरियस बैंकिंग सर्विसेज देता है बट डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। कई बैंक बन सकते हैं, हाँ लाइसेंस ले लो, किससे जाकर लेना पड़ेगा, आरबीआई से बात करो, आरबीआई से बात करनी पड़ी, बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा तब जाके ये लोग बैंक बनेंगे, अदरवाइज ये बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसी सर्विस देते हैं। आरबीआई इन पे नजर रखता है लेकिन आरबीआई ने इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया है, लाइसेंस लेने के लिए और उनको खतरनाक काम करने पड़ेंगे, छोटी मोटी चीज है क्या बैंक का लाइसेंस मिलना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, बच्चे हर कंपनी का एक पर्पस होता है, मैंने आईटेक्स कंपनी बनाया, आईटेक्स कंपनी क्या काम करती है, एजुकेशन, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आईटेक्स कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उससे प्रॉफिट कमाना। टाटा, बच्चा टाटा सॉल्ट, सॉल्ट क्या कर रहा है बच्चा, नमक बेच के पैसा कमाना। बच्चा रिलायंस, रिलायंस के बहुत सारे, रिलायंस का पेट्रोल पंप है तो रिलायंस पेट्रोल पंप क्या कर रहा है भैया, पेट्रोल बेच के पैसा। हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है, हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया बच्चा, इन्होंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, फाइनेंस। एक्टिवा खरीदने जाते हो, बहुत सारे वहां पे बैठे रहते हैं, फाइनेंस फाइनेंस करवाते हो, सारे के सारे एनबीएफसी बैठे होते, बैंक नहीं बैठे होते। बैंकों को कमी नहीं है, बैंक के पास लोग जाते, लेकिन अगर तुम देखोगे एक्टिवा के शोरूम में बैठ जाओगे, साहिल होंडा यहीं कहीं चले जाओगे, तो वहां पे बहुत सारे एनबीएफसी बैठे रहते, सबका नाम होता है फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी, अलग अलग कंपनी होता है ना। तो एसबीआई का एनबीएफसी होता है वो, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा। टाटा के नाम से बहुत सारी कंपनी है ना, रिलायंस के नाम से बहुत सारी कंपनी है ना, एसबीआई के नाम से भी बहुत सारी। एसबीआई एक बैंक भी है और एसबीआई ने अपनी एक एनबीएफसी भी बनाया, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी गाड़ी लेने जाते हो या कुछ भी बड़ा प्रोडक्ट, चाहे वो एसी हो चाहे वो कुछ भी हैवी चीज लेने जाते हो जिसमें आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, बच्चा आईफोन ही लेने जाओ फाइनेंस करवाओगे, जो भी फाइनेंस कर रहा है वो सब कौन है, एनबीएफसी। वो जो गोल्ड है ना, मुथूट फाइनेंस है, वो क्या कह रहा है भैया गोल्ड रखो, गोल्ड रखो और क्या लेके जाओ, लोन। बच्चा तो एक्चुअल में वो क्या है, वो क्या है, एनबीएफसी। तो एनबीएफसी क्या है, एक फाइनेंस कंपनी जो कि बैंक नहीं है, कभी मत सोचना वो बैंक है। बच्चा आरबीआई उसमें नजर रखती है, ऐसे नहीं कि आरबीआई, आरबीआई ये कहता है भैया जो भी पैसे से लेन देन करेगा मैं नजर रखूंगा, लेकिन बैंक का वो पूरी श्योरिटी लेता है, इन एनबीएफसी की पूरी श्योरिटी लेगा वो नहीं। अगर श्योरिटी की बात आती है तो वो कहेगा भैया बैंक बनाओ, है ना। तो बच्चा तो ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते बैंक के कंपैरिजन, फाइनेंस ले लेते, इनका इंटरेस्ट रेट कभी कंपेयर करना बैंक से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन इतना टफ है, वो मैं कह, गाड़ी है ना वो तो सिक्योरिटी क्या है, अगर आपने कार खरीदी, अगर आपने एक्टिवा खरीदी तो कोलेक्टर सिक्योरिटी में क्या आएगा, वो गाड़ी। घर भी फाइनेंस होता है, बैंक भी करता है और ये फाइनेंस कंपनी भी, क्या ये बात समझ में आ रही है। कोई फायदा नहीं है, हाँ गाड़ी कब्जा गाड़ी हो जाती है, जब्त हो जाती है। एक्चुअली में आप नोटिस करना, जब ये फाइनेंस करते हो तो गाड़ी की दो चाबियां होती है, एक चाबी वो ले लेते हैं, मालूम है एक चाबी वो क्यों ले लेते हैं, कभी भी तुम्हारे घर पर आएंगे तुमसे चाबी नहीं मांगेंगे, अपनी चाबी खुद लेकर आएंगे, स्टार्ट करेंगे निकल लेंगे। नहीं नहीं फिर तुम केस कर सकती हो, ठीक है, ये लोग लेकर गए। चलो बच्चे समझ में आया, तो वो सारे के सारे एनबीएफसी बैठे रहते हैं, ठीक है, शोरूम में जब भी जाओगे। चलिए बजाज फाइनेंस तो बहुत सुना है ना, कोई भी हाउस होल्ड सामान लेना होता है बच्चा, बजाज फाइनेंस तो वो क्या है, एनबीएफसी होता है, ठीक है। लेकिन बजाज कंपनी अलग से भी है और उसकी एक एनबीएफसी भी है, हाँ ये अब है बजाज, है ना, वो नहीं है बजाज। चलो आ जाओ, हाँ टाटा कंपनी होल्डिंग कंपनी, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। चलो बच्चा एनबीएफसी क्या है, एक कंपनी नॉर्मल एज पर कंपनीज एक्ट ही रजिस्टर्ड होती है, इंगेज इसका बिजनेस क्या है बच्चा, लोन एडवांस, इसका काम बैंक जैसा ही है ना, तो बैंक जैसे लोन देगी, बैंक जैसा एडवांस देगी। बच्चा ये भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एनबीएफसी कंपनी पैसा तो रखा है, इन्वेस्टमेंट करेगी तो स्टॉक मार्केट, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इशू किया ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनके पास पैसा आए, ठीक है। बट क्या नहीं करते,
बैंक जैसा काम देगा ना, दूसरे काम देगा क्या? नहीं। इन्होंने कहा भैया नहीं करेंगे क्या, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करेगा, नहीं तो प्रोड्यूसर कंपनी क्या करेगा? बच्चा इंडस्ट्रियल परचेज सेल गुड्स, इन्होंने कहा गुड्स को खरीदना बेचना नहीं लेकिन शेयर्स को खरीदना बेचना करेगा, लिखा है ना ब्रैकेट में अदर देन सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे क्योंकि सिक्योरिटी तो डील करता है। चलिए, इसने कहा सेल परचेज कंस्ट्रक्शन और इमोबल प्रॉपर्टी नहीं करेगा, इन्होंने बोल दिया एनबीएफसी कंपनी बैंक जैसा काम करता है, ठीक है, तो इनके काम लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट करना मार्केट में, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं, इंडस्ट्री एक्टिविटी नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, इमोबल प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना नहीं, लेकिन सिक्योरिटी को, इमोबल घर जमीन लैंड बिल्डिंग, ठीक है, क्लियर है बच्चा? क्या समझ में आया? आज सारे टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिए तुम लोगों ने, ये था आखिरी, ठीक है। अब मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ, सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था प्राइवेट कंपनी क्या होता है, फिर क्या बताया था पब्लिक कंपनी, फिर ओपीसी है ना वन पर्सन कंपनी, देन सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनती है, देन उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार ने मेरे आईटेक्स के 51% खरीद लिए तो आईटेक्स कंपनी क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी क्यों हो जाएगी, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का लगा, जब होल्डिंग कंपनी का पैसा लगाया था तो हम सब्सिडी बन गए थे ना, सरकार का पैसा लगाया तो हम क्या बन जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी। फिर क्या पढ़ा, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होती है जो बाहर रजिस्ट्रेशन लेकिन बिजनेस, वेरी गुड। फिर क्या पढ़ा था, एसोसिएट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50, 51 करेंगे तो क्या होगा, सब्सिडी कंपनी क्या होती है जो, ये तो मैंने होल्डिंग में बोला था ना लाइक्स, वेरी गुड। बस एक तरीके से होता है क्या, दूसरा तरीका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन। फिर क्या पढ़ा, स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल टर्नओवर, देन उसके बाद क्या पढ़ा, डोरमेंट कंपनी क्या होती है, उसका स्टेटस होता है, नॉर्मल कंपनी वो कोई भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं काम करी तो डोरमेंट, पब्लिक कंपनी काम नहीं करी तो डोरमेंट, ये स्टेटस होता है। देन उसके बाद क्या पढ़ा, क्या होती है कंपनी, अच्छा एक अच्छी चीज बताओ मैं तुम लोग को निधि कंपनी को लेकर, जितने भी बैंक्स है ना वो स्टार्ट अपने आप एज ए निधि कंपनी करते हैं, पहले वो मेंबर से पैसा लेते हैं, निधि कंपनी भी एक तरीके से क्या करिए, आप नोटिस करोगे मेंबर की हेल्प करिए, मेंबर को लोन दे रही है, तो जब निधि के लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, निधि के लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो अपने आप को एज अ बैंक रजिस्टर करवा लेते हैं कि भैया अब हम पूरे लोगों को आउटसाइडर को भी सर्विस देंगे तो बैंक बनना पड़ेगा, लेकिन बच्चा आपस के लोगों को बस ये फैसिलिटी देनी तो क्या बने रह जाओगे, निधि, तो निधि जब बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है तो वो बैंक का फॉर्म होता है, क्लियर है? चलो निधि के बाद क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर कंपनी किसके लिए होता है, फार्मर्स के लिए, एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा, जो कि बैंक नहीं होते हैं लेकिन बैंक जैसी सर्विस देते हैं, हो सकते दोनों, ठीक है। चलिए जैसे कि कुछ एग्जांपल ही देखो बच्चा, मुथूट फाइनेंस का पूरा नाम पब्लिक है कि प्राइवेट, पूरा नाम ये नाम सुना है, श्रीराम सुना है, अरे यार कॉलेज सुना है तुम लोग, यार ध्यान दो क्या लिखा है, श्रीराम ये क्या फाइनेंस करता होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रक्स, ठीक है। ऐसे बच्चा नाम में काम छुपा होता है, नाम में काम छुपा होता है, आईटेक्स के नाम में काम छुपा है, उसका फुल फॉर्म मैंने काम दिया था तुम लोग, आईटेक्स से फुल फॉर्म है यार, नाम में काम छुपा है, पता लगाओ, मैं नहीं बताऊंगी इन अ लाइक। चलो ट्रांसपोर्ट, बच्चा ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस मतलब ये बड़े बड़े ट्रक्स को फाइनेंस करता है, ठीक है। हाँ बच्चा, हाँ हाँ, एज अ प्रोड्यूसर भी आप हो सकते हो या फिर नॉर्मल कंपनी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ये लेकिन क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है ना, ये तो ये कह रहे ट्रक आप लेना हम पैसे, जैसे मैं कह रही थी ना एक्टिवा खरीदो हम पैसे देंगे आपको,
एज अ लोन, ठीक है। चलिए तो बच्चा सारे टाइप्स ऑफ कंपनी आपने समझ लिया, लेकिन अब मुझे आपको नेक्स्ट सिखाना है कंपनी बनाई कैसी जाती है, जो कि आज मैं नहीं सिखाऊंगी। मैं ये चाहूंगी कि पूरी डेफिनेशन पढ़ो, कल पूरी डेफिनेशन पूछूंगी, तब हम सीखेंगे कि कंपनी कैसी बनाई जाती है। तो वही तो, गूगल से नहीं पता चलेगा, इंटरनल सोर्स से पता चलेगा, वो मैं इंटरनल सोर्स नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सारी चीजें गूगल में सही। अच्छा मार्क कर रही है क्या? हाँ, अभी तुम लोगों को बहुत कुछ जानना बचा है ना, खुद पता लगाओ, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। दो टास्क है, पूरी डेफिनेशन पढ़ के आना, दूसरा आईटेक्स का फुल फॉर्म पता करना, ठीक है। सर को भड़का दूंगी, बताना नहीं।